तो भाई ये रहा अपना स्टिकर, सामने देख रहे हो इसको भी बराबर कर रहे हैं। भाई स्टिकर जो है वो हो गया तैयार, लग के सामने चेक करो और कमेंट करके बताना कि कैसा है। भाई ये पहुंच गया मेरे पास, ये चेक करो क्या हाल है भाई, और सब बढ़िया। कब पहुंचा यहाँ? ये कालू और ये मालू दानू भाई हैं ये। कभी भी आओगे, बहुत अच्छे भाई हैं ये कालू और मालू दानू यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। तो गाइस आपका भाई भी एकदम मस्त है। तो भाई आज का कुछ सीन ऐसा है, आज मैं जा रहा हूँ गाड़ी को स्टिकर वगैरह लगवाने हैं, और अभी यहाँ से निकला हूँ, वॉश वगैरह पहले करवाते हैं गाड़ी को, और वॉश करवाने के बाद फिर चलते हैं वहाँ पर। और जैसा भी जो भी सीन रहेगा भाई आपके साथ पूरा शेयर करूंगा, व्लॉग के एंड तक बने रहना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। जिस तरह पहले प्यार दे रहे इसी तरह प्यार देते रहो। और भाई मेरे भाई बहुत सारे बोल रहे थे कि आप व्लॉग डेली किया करो, व्लॉग नहीं करते हो, तो मैंने सोचा आज व्लॉग कर लेता हूँ, और एंड तक बने रहना, जो भी सीन रहेगा जैसा भी रहेगा आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। तो फाइनली भाई यहाँ से निकल चुके हैं, और आगे कुछ मिल नहीं रहा है, शीशा जो है वो बहुत गंदा, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी रहती है यार, वहाँ पे ना मिट्टी और धूल पड़ पड़ के ना गाड़ी का बुरा हाल हो जाता है, वॉश करवाने का फायदा भी नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले वॉश करवाएंगे और उसके बाद इसको जो है वो वार्प कराएंगे, स्टिकर शायद पर डलवाएंगे, और जो भी दिन का सीन रहता है आपके साथ शेयर करूंगा। भाई अभी ना आगे आ रहा पेट्रोल पंप, और पहले इसमें पेट्रोल वगैरह जो है, आज टंकी ना बिल्कुल खाली हुई है, पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो भाई आ गया सामने पेट्रोल पंप, पहले पेट्रोल डलवाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से जो है वो निकलते हैं। तो भाई डलवा दिया पेट्रोल, अल्लाह का नाम लेके जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, टाइम 12:30 का हो रहा है और लेट हो गया हूँ काफ़ी। तो भाई अभी ना कटरा जो 6 लाइन का काम लगा हुआ है ना, तो उसकी वजह से ना हर साइड इतनी मिट्टी और धूल होती है ना, और जाम वगैरह रहता है सामने, आप देख लो, मतलब अभी रोड का ना हर साइड, एक इधर नहीं, हर साइड जो है वो रोडों का जो है वो काम लगा हुआ है, हर साइड रास्ता जो है वो खराब है, और यहाँ पर भी तकरीबन बन गई है, थोड़ी ही रही है अब। तो भाई इन्होंने ना ये सामने ये लगाए, लेकर ना इधर से ना फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सामने देख लो ये टूट गई पूरी सामने से, इधर से बड़े मोटरसाइकिल जो है ना तेज जो है इधर से नीचे गिरे हैं, और अनस्पॉट जो है वो डेथ हो गई, जितने भी बाइक जो चला रहा था उसकी यहाँ से नीचे। तो अभी इन्होंने ये लगाई थी, मेरे को लग रहा है यहाँ पर फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है। भाई अभी ना मैं नगरोटा अंदर से आ गया हूँ, क्योंकि हाईवे पर ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यार धूल वगैरह होती है, और अभी मैं जो है वो भाई अभी ने का अपना भाई यहाँ से जा रहा था, तो उसने हाथ मारा, मैं रुक गया हूँ, अभी वो वापस आ रहा है, और उससे भी मिलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। कहाँ गया ये? आ गया, क्या हाल है? ठीक है, और सुना शादी शुदी करके कैसी गुजरी तेरी लाइफ? भाई इसकी भी शादी होगी, इसने मेरे को शादी में बुलाया था भाई, लेकिन मैं नहीं जा पाया भाई इसकी शादी में। और सुना सब ठीक है नहीं? और भाई ये भी अपना दोस्त था, अभी इधर से जा रहा था, रुका था थोड़ी देर, काफ़ी टाइम के बाद मिला, और बेचारा इसकी भी शादी होगी बोलता है, शादी करके मैं फंस गया। और चलो भाई हम तो अपनी लाइफ में खुश हैं, और देखते हैं आगे क्या सीन रहता है, सैलून पे चलते हैं, अगर खुला होगा तो कटिंग करवाते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर गाड़ी का काम करवाने के लिए चलते हैं, और बाकी जो काम है वो करते हैं। भाई आपको एक बात बताऊं कि शादी करके ना इंसान बहुत सारा सुधर जाता है, मतलब बहुत सी बातों से, मतलब इंसान की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाती है, और शादी भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, शादी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। भाई सैलून पर आया था अभी, वहाँ पर उसको टाइम लगेगा, पहले गाड़ी का काम करवा लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। भाई दोस्त एक कॉल कर रहा है, वो श्रीनगर से आया हुआ है सफन, और अभी चलते हैं, उसको भी उठाते हैं, और सबसे पहले जाके गाड़ी वॉश करवाएंगे, और उसके बाद जो है इसको जो है वो स्टिकर लगवाने जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं उसके पास, ब्लॉक एंड तक बने रहना, जो भी जैसा भी रहेगा आपके साथ भी शेयर करूँगा। भाई पहुँच गया मैं पिट स्टॉप के बाहर, वो यहीं पर आ रहा है, ये चेक करो सामने, और वो आता फिर यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली भाई ये पहुंच गया मेरे पास, ये चेक करो क्या हाल है भाई, और सब बढ़िया। कब पहुंचे यहाँ पर? मैं कल रात को पहुंचा। कॉल नहीं की तूने? कॉल की थी मैंने, आपने उठा ही नहीं। सुबह 11:30-11:12 बजे बंदा सोया होता, तो भाई ये शाम को ही आ गया था, तो सुबह इसने कॉल की कि मैं जम्मू में हूँ, चलो उससे भी मिल लेते हैं। तो चलते हैं आगे क्या रहता है दिन का, जो भी रहेगा ब्लॉक एंड तक बने रहना। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं गुज्जर नगर में, और यहाँ पर ना जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, वहाँ पर जाम होता है श्रीनगर में इतना है,
नहीं होता है उधर भी, बहुत जाम होता है, बहुत ज्यादा। आपने मेरे हर व्लॉग में देखा होगा जब मैं श्रीनगर जाता हूँ उधर भी बहुत ज्यादा जाम होता है भाई। ये आपने श्रीनगर के लिए नहीं बोल रहा बट वहाँ पर भी जाम बहुत होता है, इससे ज्यादा जाम होता है, इधर लगता नहीं है, पता नहीं क्यों लगा है। फाइनली भाई पहुँच गए सर्विस स्टेशन पर, सामने देखो गाड़ी की क्या हालत हुई है, इसको बहुत दिन हो गए वॉश नहीं करवाया है, और वॉश करवाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, फिर चलते हैं इसको इस साइड में जो है वो पूरा स्टिकर डलवाना है, एंड तक बने रहना जो भी रहेगा आपको बताते हैं। क्या हुआ उधर, कहाँ ठीक है ना इधर भी भाई? गाड़ी ना इतनी गंदी हुई थी कि आपको क्या बताऊं, अभी वॉश करवा दिया है तो इसको साफ करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे क्या रहता है। ये कालू और ये मालू दानू भाई हैं ये कभी भी आओगे, बहुत अच्छे भाई हैं ये कालू और मालू दानू। यहाँ पर गाड़ी वगैरह करवा ली है वॉश, और अभी यहाँ से निकलते हैं कार एक्सेसरी की जो शॉप है उस पर चलते हैं, फिर उसके बाद क्या रहता है तक बने रहना। तो भाई पहुंच के कार एक्सेसरी की शॉप है, सामने देख सकते हो अली कार एक्सेसरी, और देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। अभी ये गाड़ी लगी हुई है पहले स्कॉर्पियो, इसका काम हो जाएगा, उसके बाद अपना नंबर है और स्टिकर वगैरह डलवाते हैं, और उसके बाद यहां से निकलते हैं, और कमेंट करके बताना कि कैसा है। तो भाई ये चेक करो, ये रहा सामने स्टिकर, और अभी ना इसको बराबर कर रहे हैं यार, उसको ना मैंने ऑर्डर दिया था और उसको बोला था बिल्कुल बराबर साइज़ का बनाना, लेकिन ये ना थोड़ा बड़ा है, अभी ये आधा कट जाएगा, अब किस तरीके से ये लगाएंगे देखते हैं क्या सीन रहता है, क्योंकि ये बड़ा है स्टिकर, पूरे छत के बराबर आ रहा है, तो देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। सामने चेक करो, तो करके बराबर अब लगा रहे हैं सामने देखो, और कमेंट करके भाई ज़रूर ज़रूर बताना, ये सामने देख लो। तो फाइनली भाई स्टिकर जो है वो हो गया तैयार, लग के सामने चेक करो और कमेंट करके बताना कि कैसा है, और अभी यहाँ से निकलते हैं आगे क्या सीन रहता है, जो भी रहेगा शेयर करेंगे। हो गया भाई, सामने चेक कर सकते हो। फाइनली भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, और सारे काम जो है माशाल्लाह फिनिश हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं अब आगे, मुझे कटिंग वगैरह भी करवानी है और इसको ड्रॉप भी करना है, और जैसा भी रहेगा ब्लॉग के एंड तक बने रहना, आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो, ओके ये निकल रहा है, चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, ओके ठीक है। तो भाई ये निकल रहे हैं और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, अब काफ़ी टाइम हो गया है, और कटिंग वगैरह भी करवानी है आगे, जैसा भी सीन रहेगा आपके साथ भी शेयर करूँगा। ठीक है भाई, बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, निकलता हूँ, ठीक है, ओके बाय। तो भाई हमें थोड़ा ऑफिस में जाना है, थोड़ा काम है, और उसके बाद जो है कटिंग करवाने चलेंगे, और उसके बाद निकलेंगे, टाइम भी काफ़ी हो गया है, और उनको ड्रॉप कर दिया, कुछ खा लेता हूँ यार, भूख लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, उनको बोला था लेकिन ना वो निकल गए, और अभी देखते हैं कुछ खाते हैं। फाइनली गाइस गाड़ी कर दी ये पार्क, ये वाला स्टिकर लगाया था देख लो, चेक करो, और सामने रहा सैलून, सुबह में आया था मैंने आपको बताया था, अभी चलते हैं अंदर से क्योंकि सुबह रश था, और अभी कटिंग करवा के फिर निकलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच गया मैं भाई के सैलून में, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो भाई मैं ना कटिंग करवाता था नगरोटा, आपको बताया रोहन के पास, और इनके वो ब्रदर थे, और मेरा काफ़ी वो अच्छा बड़ा करीबी दोस्त था, और सारे दुआ करना भाई की आत्मा का जो है वो शांति मिले, ये उनके भाई हैं, और मैं ना तब परमानेंट कटिंग जो है वो नगरोटा से करवाता था, यही रोहन भाई का जो सैलून था, काफ़ी टाइम बंद रहा, और अभी भाई है उनके, ये उनने ओपन किया है, और अगर आपने भी भाई कटिंग जो होती है ना वो एक नंबर होती है, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पे आता हूँ, अगर आपने भी करवानी हुई तो ज़रूर भाई के पास विज़िट करना यहाँ पर। और अभी काफ़ी लेट हो चुके हैं, मैं सुबह भी आया था भाई, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, फिर मैं निकल गया और अभी आया हूँ, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कटिंग करवाते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई टाइम भी काफ़ी हो गया और कटिंग करवा ली, ये अपनी फाइनल लुक रही, और कटिंग वगैरह कट वगैरह सब कुछ हो गया फिनिश, और अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और देखते हैं क्या। तो फाइनली गाइस कटिंग करवा के आ चुका हूँ गाड़ी में, और टाइम ना भाई बहुत हो चुका है, चेक करो कटिंग भाई, कमेंट करके बताना कैसी है, और अभी व्लॉग को यहीं पर एंड करूँ क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है, 8 बजे हैं भाई, और निकलते हैं यहाँ से। शेयर लाइक कमेंट करना, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट मस्त से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। I'm